है नंद प्रयाग जाने की, मैं वहाँ से कर्ण प्रयाग भी जाऊंगा, इमरजेंसी पड़ने के कारण मैं घर आ गया। ये देखिए इतनी बड़ी अरबी है, लाइक अरबी मैंने धो दिया है, और ठंड की वजह से यार अगर घर में लकड़ी ना हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नंदनगर के खूबसूरत घाटी खरकेज से, और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो गई है, और आज हमारे यहाँ अच्छी धूप खिली है। मेरी तैयारी होने वाली है नंद प्रयाग जाने की, मैं थोड़ी देर में नंद प्रयाग जाने वाला हूँ, मेरा एक पार्सल आने वाला है, और क्या पता मैं अपने दोस्त को मिलने वहाँ से कर्ण प्रयाग भी जाऊँगा, तो देखते हैं क्या होता है आज। मुझे जाना था नंद प्रयाग, लेकिन इमरजेंसी पड़ने के कारण मैं घर आ गया, और अभी जा रहा हूँ मैं अरबी लेने के लिए। और ये सामने रहे हमारे खेत, यहाँ पे हमारे दो खेत हैं छोटे छोटे, और आगे साइड पे भी है खेत, यहाँ से तो नहीं दिख रहा। और ये बीच में भूस्खलन हुआ था यहाँ पे, और भूस्खलन की वजह से पूरा रास्ता तहस नहस हो गया, और यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है। इस साइड भी बहुत सारी अरबी होती है, और आगे साइड भी, वैसे अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो उधर जाऊँगा। ख़ास तौर पे हमारे पहाड़ों में आजकल ठंडियों के टाइम पे लोग अरबी का बहुत यूज़ करते हैं, और ये नेचुरल अरबी होती है, इसको लगाते नहीं कोई लोग, ये खुद ही उग जाती है। और यहाँ पे मुझे अरबी के पेड़ दिख रहे हैं, ये देखिए बहुत सारी अरबियाँ हैं यहाँ पे। वैसे अरबी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, शायद चूहा ने भी खा रखा है। ओहो, ये देखिए इतनी बड़ी अरबी है, और इस पे से हम छोटी वाली अरबी तो निकाल लेंगे, और बड़ी वाली अरबी को कहीं रोप देंगे। कुछ अरबी यहाँ भी है, और मैं अभी नीचे आ गया हूँ, बड़े वाले अरबी हैं। ओह माय गॉड, ये बहुत बड़ी अरबी है। तो मैं इन अरबियों को धोऊंगा यहाँ पे पहले, ऐसे घर नहीं ले जाते हैं ना, तो यार पूरा गंदा हो जाएगा घर में, तो आज के लिए इतना काफी है। वैसे और जो बड़ी वाली अरबी निकाली थी मैंने, वो तो मैं कहीं पे लगा दूंगा। पूरा कपड़ा गंदा हो गया मेरा। खाने लायक अरबी मैंने धो दिया है अच्छी तरह से, गड्ढा छोटा हो गया, तो छोटा वाला डालेंगे। अरबी के बड़े वाले पौध को मैंने यहाँ पे लगा दिया है, अब देखेंगे अगर पानी देने की नौबत पड़ेगी तो इसको पानी भी देंगे। और अब जा रहा हूँ मैं घर की तरफ, और यहाँ पे लोगों की छोटी सी बछड़ी है, बहुत ज़्यादा डर रही। ले ले अरबी को मैंने इसमें भिगाने डाल दिया है, क्योंकि इस पर अभी काफ़ी मिट्टी है शायद से, और अभी मुझे भूख भी लग गई है, अब कुछ ही देर में हम खाना खाने वाले हैं, खाना भी बन के तैयार है।
मेरी तैयारी हो गई है लकड़ी लेने की, और मैं अभी लकड़ी लेने को जा रहा हूँ। आजकल हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, और ठंड की वजह से यार अगर घर में लकड़ी ना हो ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैं अभी नदी किनारे आ गया हूँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। तो ये लकड़ियाँ हैं कुछ, इनको बारीक करेंगे आज।